भ्रष्टाचारी अगर जो सदन के अंदर बैठे और सदस्यों के मांग पर सरकार चुप रहे तो ये भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? ये वही मुख्यमंत्री है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का FIR में नाम आने पर इस्तीफा ले लिए थे, पूर्व मंत्री आरन सिंह का इस्तीफा लिए थे, पूर्व मंत्री मेवा चौधरी का इस्तीफा लिए थे। जवाब देना होगा, क्या भ्रष्टाचार के जीरो टे हट चुके हैं, कुर्सी के लिए समझौता कर चुके हैं? ये बताना पड़ेगा। एक भ्रष्टाचारी सरकार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। लोकतंत्र के राज्य के सबसे बड़े मंदिर विधानसभा के अंदर अगर जो चार सीटेड भ्रष्टाचारी आकर बैठे, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर राज्य के बिहार विधानसभा के अंदर चार सीटेड भ्रष्टाचारी अगर जो सदन के अंदर बैठे और सदस्यों के मांग पर सरकार चुप रहे तो ये भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस कहाँ गया? ये वही मुख्यमंत्री है जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का FIR में नाम आने पर इस्तीफा ले लिए थे, पूर्व मंत्री आरन सिंह का इस्तीफा लिए थे, पूर्व मंत्री मेवा चौधरी का इस्तीफा लिए थे, मंजू वर्मा का इस्तीफा लिए थे, और आज ये मुख्यमंत्री कार्तिक सिंह का इस्तीफा लिए थे। आज मौन क्यों है? जवाब देना होगा। क्या भ्रष्टाचार के जीरो टे हट चुके हैं, कुर्सी के लिए समझौता कर चुके हैं? ये बताना पड़ेगा। एक भ्रष्टाचारी सरकार को बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है। भ्रष्टाचारी कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दी थी, चारा चोर खजाना चोर को भी कुर्सी से उतार दिया था, और फिर से भ्रष्टाचारियों की सरकार चलाना चाहेगी तो इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, सदन के अंदर मुख्यमंत्री को बताना होगा कि आपने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया, कुर्सी से सौदा कर लिया, ये बताना होगा। आज तो पहला दिन था, शोक प्रस्ताव होगा आपका, आपका आगे का एक्शन क्या है? आज शोक प्रस्ताव था, हमने सदन के कार्यवाही का सम्मान करते हुए चुप रहा, लेकिन ये कतई स्वीकार नहीं होगी। चार सीटेड भ्रष्टाचारी उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना होगा। अपराधी जिन पर हत्या का आरोप लगा उस पर भी मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार से मुख्यमंत्री का समझौता, ये सदन के अंदर से पूरे राज्य की जनता को संदेश स्पष्ट जानी चाहिए। इसीलिए तो भ्रष्टाचारियों की जमात से सरकार चलाना चाहती है, ये बिहार की जनता देखे। हम उसका सड़क से सदन तक विरोध करेंगे, ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे, हर हाल में जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव ने कहा भाजपा डरी हुई है, शायद इस वजह से फंसा रही है। भारतीय जनता पार्टी मेवा के लिए राजनीति नहीं करता है, सेवा के लिए करता है। और जो परिवारवादी वंशवादी भ्रष्टाचारी मेवा के लिए किया है, वो मेवा जनता की है, जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का किसी को अवसर नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक लड़ेगी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now